अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं मैंगो आइसक्रीम, जिसकी रेसिपी ये है। देखिए व्यूअर्स, ये आम को मैंने छील के अच्छे से निकाल ली हूँ। अब हम एक लेंगे मिक्सर जार, उसमें हम डालेंगे हमारा आम। ये आम डाल दिया मैंने, मैं इसके साथ ही डालूँगी इसमें मिल्क पाउडर। ये सब मैंने एक सरीका नापी हूँ, उससे आपकी आइसक्रीम एकदम बढ़िया बनेगी। और ये मिल्क पाउडर 5-5 रुपए के पैकेट मिलते हैं। और इसमें हम डाल देंगे मलाई, और इसी के साथ मैं डाल दूंगी इसमें शक्कर जो हमने ली है। और ये सब ठंडा है एकदम। अब इसको मैं ग्राइंड करके आपको आगे का बताती हूँ। देखिए व्यूअर्स, ये हमारा पीस के एकदम स्मूथ हो गया है। प्लीज़ आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब हम इसको कोई भी ऐसा टिफ़िन ले लेंगे बच्चों के स्कूल का, और उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारी आइसक्रीम। अब इसको हम डैप करेंगे और इस पर ढक्कन लगाएंगे। इसको 6 से 7 घंटे के लिए हम फ्रीज़र में रख देंगे, उसके बाद मैं आपको आगे का बताऊँगी। व्यूअर्स, ये हमारे 4 से 5 घंटे हो गए हैं। अब हम हाथों से इसको ऐसे ऐसे करेंगे, थोड़ा सा इसको क्रश करेंगे ऐसे। ये देखो जमना शुरू हो गई है, ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा टेक्सचर है इसका। अभी हम इसको ऐसे ऐसे करेंगे हाथ से। ये देखिए हमने इसको ऊपर नीचे कर दिया। अब हम इसको फिर से ऐसे करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स ऐसे करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हमारे आम के पीसेस। मैं थोड़े ही डाल रही हूँ, आप चाहे तो ज़्यादा डाल सकते हैं। हम इसको अच्छे से अब डैप करेंगे ऐसे करके, और उसके ऊपर एक ऐसे करके पन्नी रखेंगे ताकि इसमें बर्फ़ नहीं जमे। अब हम इसका ढक्कन लगाएंगे, इसको वापस से आप चाहे तो पूरी रात ढक सकते हैं या 6 से 8 घंटे रखेंगे, फिर हमारी एकदम ज़बरदस्ती आइसक्रीम बनके रेडी हो जाएगी। व्यूअर्स, ये हमारी एकदम ज़बरदस्ती आइसक्रीम बनके रेडी हो गई है। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। प्लीज़ आप लोग इसे बनाइए, खाइए और मुझे बताइए कि कैसी बनी है। ये हमारी एकदम मस्त आइसक्रीम बन के रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है। देखिए इसका टेक्सचर देखिए आप कितना अच्छा है। प्लीज़ आप लोग बनाइए, खाइए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह।